मधुबनी जिले में इंद्रेणी प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों को परिसीमन विवाद में उलझ कर रह गए हैं, क्योंकि रोजाना अलग अलग गांवों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर परिसीमन से संबंधित शिकायत कर रहे हैं। सभी शिकायतों का आधार यही है कि ग्रामीणों को ना तो परिसीमन के समय दावा आपत्ति के लिए पर्याप्त समय दिया गया है और ना ही उनकी सुनवाई की गई है। इसके अलावा ग्रामीण गंभीर रूप से ये भी लगा रहे हैं कि उन्हें परिसीमन के बाद जब अधिसूचना प्रकाशित किया गया तब ही उसके संबंध में उन्हें जानकारी मिली। नाराज ग्रामीणों ने स्वराज एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत में कुछ इस तरह से समस्याओं से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत का चुनाव हो रहा है। मुंगेली जिले में इसके लिए तैयारियां भी जोरों से है, लेकिन पंचायत परिसीमन को लेकर लगातार कलेक्ट्रेट में शिकायतें आ रही है। गांव गांव से दर्जन भर सैकड़ों ग्रामीण यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जा रहा है। यही वजह है कि एक भी परिसीमन से संबंधित शिकायत का निराकरण आज तक जिला प्रशासन ने नहीं किया है। वर्तमान में आज डोड़ा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी है। बताइए किस तरीके की समस्या है आप लोग? हम रेंग नहीं पाता है भैया, हम सियान आदमी हैं, हमारा कमर दर्द करा था, गोड़ है हमारा दर्द करा था, दूर पड़ा था 3 किलोमीटर। नहीं जी, हमें कोई सूचित ही नहीं किया गया और डायरेक्ट ये बताया गया कि हम जब लिस्ट में देखे तो ऐसा था कि जल्दी पंचायत में जुड़ गया था, और कारण इसका मुख्य है कि वो दूरी पड़ता है जल्दी ग्राम पंचायत, और यथावत करने की कृपा करेंगे, अपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कलेक्ट्रेट के पास। कलेक्टर साहब बोले हैं कि ठीक है, मैं देखवाता हूँ, उसके बाद में जो भी उचित कार्यवाही है उनको यथावत करने की कोशिश करूँगा, ये जवाब दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ग्राम पंचायत से परिसीमन विवाद को लेकर शिकायतें तो रोज आ रही है, मगर किसी ने कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेकर इसका निराकरण करना चाहिए वो करते नजर नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ये जो समस्या है लगातार बनी हुई है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।